Hi guys, welcome back to the channel. This is Soumya. I hope you all are safe and doing great. So guys, festive season जो start हो रहा है and सभी लोग festive season में ethnic wear पसंद करते हैं पहनना. So ethnic wear के लिए ना मैं अब बहुत अच्छा आप लोगों का simple सा makeup look create कर रही हूँ. कोई भी इसे create कर सकता है. बहुत ही affordable products मैं use कर रही हूँ and आपके पास जो भी products है ना उनके साथ आप जो है इसे create कर सकते हो. कुछ tips भी आप लोगों साथ share करूँगी. So yeah, without any further delay, let's get started. मैं एक बहुत simple सा makeup look आप लोगों साथ share कर रही हूँ. ये no makeup makeup look की तरह होगा क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली. बहुत सिंपल सा रखने वाली हूँ. इसे कोई भी क्रिएट कर सकता है. बिगनर्स भी इसे क्रिएट कर सकते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हिमालया की बीबी क्रीम. ये मेरा बेटा यूज़ करता है. मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ. मैं भी इसे अप्लाई करती हूँ. ये काफ़ी अच्छी है तो इसे आप भी यूज़ कर सकते हो. तो इससे हम अच्छे से अपने स्किन को नरिश करेंगे, मॉइस्चराइज कर लेंगे. तो इसे आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूट करता हो. प्राइमर में यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का. ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है. अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देता है. यदि आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो या कोई भी जेल लगा सकते हो. लाइक आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो. पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है. यूज कर रही हूँ एंड बाय वे का 3-in-1 प्राइमर प्लस फाउंडेशन प्लस सीरम. ये तीनों ही चीजों का काम करता है तो मैं इसे यूज कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 03. ये मेरी स्किन टोन से एक शेड ही लाइटर है. बहुत ज्यादा लाइट नहीं है एंड एकदम नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है. सो मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसे ही अप्लाई करती हूँ. तो आज भी मैं इसे ही अप्लाई करूंगी क्योंकि हम नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हैं. सो ये इस तरीके के एक एप्लीकेटर के साथ आता है. एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर है पर ये इससे मुझे ये इस तरीके से अप्लाई करना हो तो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बट फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. फाउंडेशन मैंने लगा लिया है एंड इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से. आप चाहो तो स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर का. एंड अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. गाइस मैं आपको बता दूं इस फाउंडेशन में ना मतलब ये वाला जो शेड है इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलेगी बट ये ना एकदम नेचुरल फिनिश देता है. एकदम जैसे मतलब आपकी स्किन लाइक ही आपको जैसी स्किन है वैसे ही दिखेगा बट थोड़ा सा बेटर दिखेगा. इसलिए मुझे ये अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है. इसमें ना आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आपने अलग से कुछ भी अप्लाई किया है कि ऐसा लगेगा स्किन ही है मतलब ये. तो आप इसे ट्राई कर सकते हो. मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर. ये मैंने अभी अभी परचेज किया था एंड ये भी मैंने अपने शेड में ही लिया है क्योंकि जैसे आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप उनको हाइड करना चाहते हो. तो एकदम यदि आप लाइट कंसीलर अप्लाई करते हो तो वो थोड़ा सा ग्रे दिखने लगते हैं. एकदम से हाइड नहीं होता, ग्रे दिखता है. इसके लिए मैंने ये वाला शेड जो है परचेज किया है एंड इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला. जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स जो है वो हाइड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो यदि आपको मेकअप बहुत कम करना है तो आप ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हो. मेरे डार्क सर्कल्स पे एंड जहाँ पर भी मुझे स्पॉट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है एंड अभी हम इसे फिंगर से ही ब्लेंड करेंगे.
ये वाला जो कंसीलर है ना, इसे मुझे फिंगर से ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है, जिससे हमें कवरेज भी अच्छी मिलती है एंड एकदम नेचुरल लगता है, तो इसलिए मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ। सो बेस को सेट करने के लिए मैं ये लैक्मे का रोज पाउडर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हो। सो मैंने पूरे फेस पे ही इसे अप्लाई कर लिया है एंड एक पाउडर की हेल्प से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी एंड अपने बेस को सेट कर लूंगी। सो बेस जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। अभी सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। आईब्रो फिल करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट यूज कर रही हूँ। आप कोई भी आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो। आईब्रोज को ना कभी भी ओवर फिल नहीं करना है। आप की यदि थिन है आईब्रोज तो आप ब्राउन शेड से फिल कर लो, या आपके पास आईब्रो किट नहीं है तो कोई भी आप ब्राउन, लाइट ब्राउन आई शेडो जो होता है ना उससे अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो, या ब्लैक से भी कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, अभी ना मैंने दोनों साइड पे, आप डिफरेंस देख सकते हो, एक साइड पे अपने आईब्रो को फिल किया है। बिल्कुल भी और फिल नहीं करना है आपको, इस तरीके से प्रोडक्ट को लेना है। यदि आप आई शेडो का भी यूज कर रहे हो, एक्सेस डस्ट ऑफ कर देना है, इससे जो भी एक्स्ट्रा को निकल जाएगा। एंड पीछे साइड का जो ये वाला एरिया होता है ना आउटर साइड का, वहां से आपको फिल करना, मतलब ये सेंटर से आउटर साइड पे फिल करना, स्टार्ट करना, एकदम से सामने से नहीं करना, नहीं तो सामने एकदम गंदा दिखेगा, आर्टिफिशियल दिखेगा। एंड नेचुरल जो आपकी लाइन है ना उसी को शेप देना है। सो इस तरीके से लास्ट में जो प्रोडक्ट रहेगा ना को अलग से नहीं लेना, उसी से इस तरीके से सामने से स्ट्रोक्स जैसे फिल करना है। नेक्स्ट ब्लश अप्लाई करूंगी। ब्लश के बिना मेकअप अधूरा है एंड आप मेकअप करो ना करो, ब्लश लगा लो तो भी आपका जो फेस है बहुत अच्छा दिखता है। सो ये मैं आपको बता दूँ, ब्लू हेवन का लिप एंड चीक टिंट, एंड इसे आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ इसे एज अ ब्लश अप्लाई किया है एंड इसे हाथ से ही, फिंगर से ही अच्छे से इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। इस तरीके के ब्लश अप्लाई करते हो ना तो एकदम नेचुरल लुक आता है। हम अप्लाई करेंगे आई शेडो। आई शेडो के लिए ना मुझे ये वाला पैलेट बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे लाइट शेड्स आपको मिल जाएंगे। तो एक फ्लफी ब्रश लिया है मैंने एंड इसमें से जो ये वाला शेड है, सबसे लाइट वाला, इससे मैं ले रही हूँ एंड डस्ट ऑफ करके मैंने इसे आईज पे अप्लाई करी पूरी लिड पे। बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, अगेन लेना है, डस्ट ऑफ करना है, देन अच्छे से पूरी लिड पे अप्लाई करना है, ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। मैंने दोनों आईज पे आई शेडो अप्लाई कर लिया है ना। ये वाला जो स्टेप है ना ये ऑप्शनल है,
आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने दूसरा ब्रश लिया है एंड यहाँ पे जो लाइट ब्राउन शेड है ना, मैं इसे आउटर वी पे अप्लाई करूंगी थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए। आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हो, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आउटर वी पे इस तरीके से तो आप देख सकते हो दोनों आईज में डिफरेंस। अगर आपसे ना बिल्कुल भी आई शेडो लगाते नहीं आता है तो ये सबसे बेसिक बहुत सिंपल सा आई शेडो, मतलब दो तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे लाइट शेड जो आपके पास पहले उसे अप्लाई कर लो पूरी लिड पे, उसके बाद जो थोड़ा सा डार्क शेड है उसे अपने आउटर वी पे, आउटर वी मतलब यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लो। ये वाला जो बाहरी साइड का जो एक कॉर्नर होता है तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लो एंड आप देख सकते हो। एंड इसके बाद जो भी आपके पास सिमर शेड है, जो भी आप लगाना चाहते हो, आपकी ड्रेस से मैच करता हो या जो आपके पास है, तो उसे आपको पिक करना है। लाइक मैं आज ये वाला शेड लगाऊंगी, ये दोनों मिक्स कर लेती हूँ। तो ये वाले फिंगर पे ही ले लिया मैंने एंड इसे अच्छे से इस तरीके से फिंगर से ही लगा लेना है। सो इस तरीके से आप भी बहुत सिंपल सा आई मेकअप कर सकते हो। देखो यार, प्रोडक्ट्स पे मत जाना क्योंकि प्रोडक्ट सबके पास सेम नहीं होते, सबके पास अलग अलग होते, सबकी चॉइस अलग होती है, सबका सबका जो है बजट अलग होता है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास बहुत थोड़े से प्रोडक्ट हो, तो जो भी है ना उससे आप मेकअप क्रिएट कर सकते हो। सो अभी तो मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए हैं जो आप ले सकते हो या जिनका आप यूज़ कर सकते हो आपके पास हो। तो अभी मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाय बे का काजल एंड ये है द बिग एप्पल ऑफ माय आई काजल। एंड ये वाला काजल मुझे बहुत पसंद है, बाकी जो और काजल है ना वो मेरी आँख तो उछलते ही नहीं है। सो ये वाला एक तो बहुत अफोर्डेबल है, 99 समथिंग में लिया था मैंने, कितने में लिया था, तो ये और मेरी आईज पे ना बहुत अच्छे से लग जाता है। इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एक ब्रश से ना इसे थोड़ा सा अभी से स्मच कर लूंगी कि मेरी आईज से ना बहुत जल्दी स्मच हो जाता है, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। या आप कोई भी आई शेडो से भी इसे ब्लैक या ब्राउन आई शेडो से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अभी हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर, तो ये है ब्लू हेवन का इंटेंस काजल प्लस लाइनर डुओ। तो इसमें दोनों ही चीजें, एक साइड पे काजल है, ये यहाँ पे काजल है, यहाँ पे लाइनर है, तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। बट ये वाला काजल, ब्लू हेवन के जो काजल वो मेरी आईज पे बिल्कुल भी उछलते ही नहीं, मतलब वाटर लाइन में बिल्कुल भी कलर ही नहीं आता है, तो या आई लाइनर पर अच्छा है। सो मैं इसे ही अप्लाई करने वाली हूँ। टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा लाइनर पसंद है, आपको मोटा थिक पसंद है, थिन लाइन पसंद। तो मैंने भी थिन, एकदम थिन लाइन ड्रॉ की है क्योंकि मेरी आईज ना और भी ज़्यादा छोटी लगेंगी यदि मैं बहुत ज़्यादा मोटा आई लाइनर लगाऊंगी। पर सबकी अपनी चॉइस है, किसी को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा थिक पसंद आता है। नॉर्मल डेज में भी बहुत लुक लगाते हैं, काजल भी थोड़ा सा थिक लगाते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप जैसा अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। सो आईलाइनर जो है हमने अप्लाई कर लिया, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ना दुर्गा पूजा सारी मेकअप लुक शेयर करूंगी, तो वो जरूर देखना। एंड इस वाले वीडियो को भी यदि अच्छा लग रहा है, अभी देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है, एंड शेयर करना जिससे जरूरत हो उसके साथ।
सो ब्लश हमने लगा लिया, हाइलाइटर आप चाहो तो लगा सकते हो या स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा मैं भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखने, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, या आपके पास ये नहीं है हाइलाइटर तो आप शिमर शेड को, शिमर आई शेड को भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। कॉन्टोरिंग मैंने नहीं की, आप चाहो तो कर सकते हो। एंड मैं ना अभी सोच रही हूँ नोज को थोड़ा सा कॉन्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे ना नोज कॉन्टोरिंग बहुत पसंद है। सो सेम जो आई शेडो हमने अप्लाई किया ना, इसी से मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लाइक कभी कभी ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ एंड कॉन्टोरिंग भी मैं इसी से करती हूँ। तो थोड़ा सा नोज को कॉन्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लेना है, या आप स्टिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अभी मैं इसी से कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट लेना है एंड ब्रश से, फिंगर से, जैसे भी आप चाहो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। तो मैं लिपस्टिक में बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करूँगी, तो ये वाला है एन वाई बी का स्नगल सीक्रेट 15, तो मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। तो लिपस्टिक भी मैंने अप्लाई कर ली है। अभी एक चीज जो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो रह गई है, एंड वो है बिंदी। तो एथनिक वेयर के साथ ना, बिंदी के बिना ना एथनिक वेयर जो है अधूरा रहता है, एथनिक मेकअप, एथनिक वेयर। तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से। एंड अभी देखते हैं हमारा फाइनल लुक। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज। मैंने बालों को कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा क्लिप वगैरह निकाल दी है, एंड आई गेस ऐसे ही अच्छा लग रहा है। सो या इस तरह का मेकअप आप इस फेस्टिव सीजन में कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा कलर्स को चेंज कर सकते हो एंड ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।